ए मने बता देसी के भाई मारे स्टूडेंट री आ डिमांड है कि माने आ चीज होनी चाहिए तो भी चीज ने मैं उपलब्ध कराने री पूरी पूरी कोशिश सती सी को करूंगा। वो एक मार्च को सो आप ने जन्म दे लो उपहार देर जन बहुत बहुत सभी बुद्धे जो नो बुद्धा है उन्हीं उन्हीं से लिखे जी आदमी राजदर जी बड़े भाई साहब क्या बच्चों की सामने लाल जी भी है लेकिन आप क्या सेंट तो आप सभी को नमस्कार। मेरा बस कुछ ही बातें आपको कहनी है। वैसे उस विद्यार्थी पहले से ही परिचित है हमारी जो उम्र है ना जो कक्षा बारह करने के बाद ये उम्र है वो बहुत ही काम की एज है। या तो हम हमारे जीवन को सोना बना सकते हैं या फिर हम सो सकते हैं। ये चीज चुनना आपको है कि या सोना बनना है या फिर आपको सोना है। ये चीज है क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो इस एज के अंदर आपने कक्षा बारहवीं करने के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान तो एज होती है ना 18 से लेके 22 23 की एज जो होती है ना इस उम्र के दौरान अगर आपने कठिन परिश्रम कर लिया उस अनुशासन और सिद्धांतों के अंदर चल लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जो भटकाव की विचलन की अवस्था होती है वो यही होती है। इस अवस्था के दौरान बहुत सी ऐसी चुनौतियां आती है परिस्थितियां आती है भटकाव की चीजें आती है उनसे हमें दूर रहना है। हालांकि हम जानते हैं कि मनुष्य प्राणी है और ये अवस्था है वो भटकाव की अवस्था है लेकिन हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए। अर्जुन का मछली की आंख की तरह टारगेट था हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा काम कर जाए या ऐसे सम्मानजनक जिस पवित्र उद्देश्य के लिए यहाँ आते हैं उनको प्राप्त कर ले तो हमारा जो आगे का जीवन 25 के बाद का जो जीवन होगा वो सम्मानजनक और संतोषजनक होगा जिससे क्या होगा कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं सोसाइटी है उसको हम कुछ दे सके। ये चीज है बाकी बातें सब व्यर्थ है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता उसका नहीं होता। बस उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है कि तपना आपको पड़ेगा। आपको कोई बाहर से आकर के ना कोई मैं मोटिवेट कर सकता हूँ ना कर सकते ये तो बस ये है कि दो दिन के ये है कि आपको मोटिवेट करने की बातें हैं या आपको दो दिन जगाने के लेकिन अंततः आपको खुद को अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना पड़ेगा। मन के अंदर आपकी धारणा है कि मैं जब तक ये नहीं बन जाऊं तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। ये चीज है और लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाए। हमारी एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम सोचते बहुत कम है। ये चीज है हमारी सोच होती है वो बहुत ही संकीर्ण होती है और संकीर्ण सोच रखेंगे तो हम ये है कि कम हमारी सोच क्या है ग्रोथ करने के बाद छोटी मोटी जो जॉब है वहां तक सीमित हो जाती है। बाकी तो असली चैलेंजेस होता है जो असली इंटरेस्ट होता है वो आगे का होता है। बहुत सी ऐसी जॉब है ऐसे फील्ड है जिसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं यूपीएससी कर सकते हैं आप आरएएस भी कर सकते हैं उसमें ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं। और हमारे को आगे जाने से एक चीज रोकती है वो हमारा है भय। मन के अंदर भय होता है कि यार मेरे से नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये चीज है कि सोच बदलो सितारे बन जाएंगे नजर बदलो नजरिया बन जाएगा। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो आपकी सोच के सुनिए इसके अलावा ये करते हैं कि हम कंटिन्यूटी नहीं रखते। ये चीज है कोई भर्ती आती है ना तो कंटिन्यू हुक लेके लगते हैं तो फिर वो वीडियो आते हैं अलग अलग देखते हैं दो महीना तीन महीना कंटिन्यू उससे कुछ नहीं होना है। जब तक आप लगातार नहीं अध्ययन करेंगे चीजें आपके दिमाग में घुसने वाली है नहीं। कोई होशियार नहीं होता कोई कमजोर नहीं होता बस एक ही चीज जरूरी है वो आपकी प्रैक्टिस। आपने रस्सी वाली कहानी सुनी है कि कोई पत्थर है पत्थर में से जो रस्सी आती है लगातार आने जाने से पत्थर पर भी निशान होते हैं करत करत अभ्यास ते रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान है ना यही है। तो
इस दौरान क्या होगा कि छोटे मोटे पेपर देंगे रहे सफलताएं मिलेगी, तो कुछ तो उसके अंदर ढह जाते हैं, तीन चार हो सकता है मिलती रहती है, लेकिन उनसे सीखना है सफलताओं से और हमारे अंदर क्या कमी रही उसमें इंप्रूवमेंट करना है। जैसे मेरा उदाहरण दूं तो 2016 के अंदर पटवारी फ्री हुआ, मेंस में नहीं हुआ। 2018 मुखिया जी के साथ मैंने टीचर का एग्जाम दिया, उसमें भी नहीं हुआ। हालांकि पॉइंट वाला जो गुणा है वो मुखिया जी को मैंने समझाए, लेकिन ये दो नंबर इनके मेरे से ज्यादा है ये चीजें, तो इनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने मन के अंदर ये देखा, विश्लेषण किया कि कमी कहाँ रह रही है, क्यों हम बार बार असफल हो रहे हैं। तो असफलताओं पर मनन करें कि क्या चीज में कमी आ रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है या नेगेटिव क्वेश्चन आपके ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ी ध्यान रखें। जो चीज बार बार गलती हो रही है उस पर मनन करें और उसको एक क्या एक चीज ये करते हैं कि अपन में ज्ञानी बनने के चक्कर में बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं कि लक्ष्य में ये दे रखा है, राय में ये दे रखा है, शिकवाल में ये दे रखा है, चेतक में ये दे रखा है, दक्ष में ये दे रखा है। तो ये चीजें वही है, 2 में से 16 में किसी के आते नहीं है, हमें पेपर पास करके लगना है। ये चीज है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। आप ये मान के चलते हैं कोई रीट की तैयारी करता है उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, वो छोड़ देता है उस पार्ट को, तो 15 नंबर ऑलरेडी पीछे जा चुका है। ये चीजें छोड़ना किसी भी कोर्स को नहीं है। ये चीज हम अक्सर तैयारी करते हैं तो जो गणित में कमजोर है वो ये कहते हैं कि मैथ आती नहीं है, ये छोड़ दो। और दूसरा ये होता है इंग्लिश नहीं आती, 10 नंबर की तो है क्या बात है, 150 का पेपर है, 10 नंबर से आप ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। अरे भाई आप पढ़ो, 10 में से अगर आप 7 या 4 भी सही करते हो तो 4 आप 20 से आगे। तो किसी भी पार्ट को आपको कमजोर नहीं छोड़ना है, और जिस भी तैयारी एग्जाम की आप तैयारी करें उसको मनन के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे दुनिया का कौन सा भी एग्जाम हो, दुनिया का कौन सा भी फेल हो। जब तक आप निरंतर और ईमानदारी के साथ लगे रहोगे तो आप एक दिन हो सकता है शुरुआत में असफलता मिले, लेकिन अंततः आप सफल जरूर होंगे। मेरा तो यही है जीवन में, मैंने यही किया है, 2-3 असफलताएं भी देखी है, कई साथियों से भी परिचय हुआ है। एक मेरे मित्र है वो 32 बार कम से कम असफल हुए हैं, और वर्तमान वो वीडियो है, 32 साल के बाद वो वीडियो बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर RAC के थ्रू होती है, तो 32 बार वो असफल हुए। तो वो असफलता कितनी अचंभित करने वाली होती है कि इतनी लगातार असफलताओं के बाद बंदा लक्ष्य के प्रति डटा रहता है, तो वो है, वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। है बाकी चीजें व्यर्थ है, दुनिया में आए हैं चले जाएंगे, लोगों के लिए कुछ करो, अपने खुद के लिए करो, अच्छा नाम हो आपका, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़े। आप जब भी जाएं लोग सम्मान के साथ आप से हाथ मिलाए, अभिवादन करें, ये ना कहेंगे कि वो आ गया, निकृष्ट दृष्टि से कम से कम तो नहीं देखे। तभी हमारे जीवन की वास्तविक मूल्यांकन है कि जब हम इस दुनिया से अंतिम सांस से लेकर के विदा हो, जीवन की अंतिम शैया पर हो, तो लोगों की एक सैलाब उमड़ना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई बंदा था, खुद के लिए किया, समाज के लिए किया, हमारे देश के लिए कुछ किया, उसका योगदान बोलना चाहिए, वो भीड़ से होना चाहिए, तो तभी हमारा वास्तविक मूल्यांकन है। अन्यथा बहुत आते हैं, बहुत गए हैं, कोई किसी को नहीं जानती। ये चीज है, सुनना आपको है, समय आपका है, लौट के कभी नहीं आता। ये चीज है, छोटे भाई बहन है, आप उन्हें कह रहा हूँ कि समय वापस लौट के नहीं आता। ये चीज है कि गोल्डन एरा को आप मत गवाइए। बार बार मैं इस बात को कोट करता हूँ कि इस गोल्डन एरा को आप गवाए मत। अधिक से अधिक जो टाइम है जो इंस्टाग्राम पर आपका चलता है उसको आप किताबों की ओर मोड़िए, तो फेसबुक की ओर चलता है, व्हाट्सएप पर चलता है, उसको अधिक से अधिक आप किताबों में मोड़िए। किताबें आपकी जिंदगी की दशा और दिशा चयन करती है। ये चीजें जो 18 से 24 की एज है बहुत ही शानदार एज है। इस उम्र के दौरान मैं बताऊं कि मेरे सफल होने से पहले फेसबुक इतना नहीं था, फोन ही दे रहा था, छोड़ा। जब सफल हुआ
तो मेरे को काफी लोग जानते हैं, बीकानेर में भी काफी जानते हैं, आस पास के लोग जानते हैं, सोशल मीडिया चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं करने वाला है, लोग आपसे जुड़ेंगे, आशाएं रखेंगे, आपके साथ मित्रता करने की प्रयास करेंगे। और जब आप अभी 18 से 24 वाली एज में सोशल मीडिया चलाते रहोगे, इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहोगे, बाद में जिनकी आपके साथ रील बनाएगी ये चीजें अभी हो जाएंगी। ये चीज है कि ये लहसुन लाना, चटनी लाना, महंगाई बढ़ रही है, ये चीज आपको अभी सोचने की जरूरत है, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, 2030 के बाद आपको सरकारी जॉब शायद ही कोई देखने को मिले, ये चीज है, मैं सही कह रहा हूँ? तो इस चीज को आप ध्यान रखें, आप अंतिम वो पीढ़ी हैं जिसको सरकारी जॉब प्राप्त होने वाली है, ये चीज है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सरकार कहती है, और सब जो जैसी आपकी नीतियां चल रही हैं उसको आपको पता ही है। तो ध्यान रखना, सरकारी जॉब है तो सब है, प्राइवेट जॉब है तो कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, कभी धक्का दे के निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा पैकेज दे, एक मिस्टेक आपने की तो आप गेट हो पाए। आपको पता है एलन मस्क नाम सुना है क्या? अखबार पढ़ते हो आप? उन्होंने अभी ट्विटर का अधिग्रहण किया और किसको किक मार के उनको बाहर कर दिया, कितने सारे दिन का अच्छा अच्छा पैकेज था, करोड़ों करोड़ों पैकेज था। सरकारी जॉब की कोई होड़ नहीं है, सरकारी जॉब मिलोगे तो आप सरकारी ज्वाइन करने के बाद आपकी शादी जल्दी होगी, बहुत फायदे इसके, ये चीज है, बहुत फायदे है ये चीज है, क्यों सही कह रहा हूँ, बहुत फायदे है ये चीज है, रिश्तों की भरमार लगेगी ये चीज है। उम्र के इस दौर को मत जाने देगी दोस्तों, जिंदगी आपकी है, चुनना आपको है कि आपको नमूना बनना है या लोगों का नमूना बन के देखना बात को। धन्यवाद। एक मैं शायरी कहूंगा कि असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में, कि राह तो मिल जाएगी मगर भटकते ही सही है, गुमराह तो वे लोग हैं जो भी घर से निकले ही नहीं, आप अच्छी जगह हैं और आपको राजेंद्र जी इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और कितनी अच्छी फैकल्टी आ रही है, ये है कि निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें मौका मिलता है समय समय पर इनसे बात करते रहते हैं, क्या इनोवेशन आइडियाज कर सकते हैं उनके लिए हमेशा बातचीत होती रहती है। हमारा भी छोटा प्रयास ये है कि जब भी आए, जब भी जैसा भी योगदान हो, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हमारे सोल्यूशन वाली टीम में है थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, अपने माता पिता के साथ धोखा ना करें, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जिसने अपने माता पिता के साथ धोखा कर लिया ना करें, किसी का नहीं हो सकता, हम स्वतंत्र है डिसीजन करने के लिए, निर्णय करने के लिए, लेकिन नैतिक रूप से माता पिता ने हमें किसी स्टेज पर पहुंचाया है, भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने यहाँ तक आपको भेजा है, तो वो आपको ऊंचे तक जरूर भेजना चाहते हैं, कह रहा हूँ मैं, तो उनके साथ विश्वासघात न करके अधिक से अधिक मेहनत करके लक्ष्य को अचीव करें, आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। एक हमारे साथी अशोक जी, तो पहले पटवारी थे, अभी टीचर लगे हुए, ये पहले भी एक बार आए थे, और ये जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ ये खुद बताते हैं कि एक टाइम था कि पीने के लिए पानी भी नहीं था, ये पानी उन्होंने खुद अपने मुख से पिछली बार आए थे तो बताई थी, और आज फिर ये यहाँ आए हैं तो इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। सारी सुविधाएं जब मिल जाती है तब तक हमारी असुविधा का मालूम नहीं रहता है, इतनी सुविधाएं आपको मिल रही है तब तक आपको आगे की दुविधा दिखने की नहीं है, और यहाँ पर
थोड़ा शायद उसको समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे